तो मैं आज जिस मूवी की बात करने जा रहा हूँ, उस मूवी का नाम है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसे जूलियस वर्न की एक ही नामक बुक से एडाप्ट किया गया है। इस मूवी का रन टाइम है 1 आवर 3 मिनट। इसे IMDb ने 5.8 रेटिंग दिया है, रॉटन टोमेटो ने 61%। ये एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो आप प्राइम वीडियो से देख सकते हैं, और इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है। सर ट्रेवर एंडरसन, उसका नेफ्यू सोन और उनके गाइड हाना जब एक्सपीडिशन में आइसलैंड को जाते हैं, तब वो एक केव के अंदर अटक जाते हैं, और जब केव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तब वो और अंदर चले जाते हैं, और आखिर में धरती के सेंटर में चले जाते हैं। सेंटर में जाते ही वो लोग बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधों अलग अलग जगह के पास से जाते हैं, और डायनासोर्स भी उनमें रहते हैं, लेकिन आसपास के वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जहाँ से इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना पड़ता है। अब वो कैसे निकलेंगे और कैसे वहाँ सेंटर में गए, ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। Is a geyser like river we can take to the surface into an amazing new world. Simple. Doesn't this just complete? In the dangerous parts in the book of real. Get ready for the first live action digital 3D journey to the center of the earth. Explorers have vanished searching for it. Don't worry. Shrees, there has been a legend of a land untouched by time. Good. Direct.